हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज आपको एक जल्दी मैं एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एक मेरे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था। इसके लिए हमने ले लिया है आलू एंड बीटर गोट या करेला जिसको बोलते हैं, इसको बंगाली में उच्छे भी बोलते हैं। इसको हमने फ्राई कर लिया है, फ्राई करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत लोगों को बीटर गोट पसंद नहीं है, वो एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही यम्मी होता है। इसमें इतना कड़वा नहीं होता है खाने में, ये बहुत ही अच्छा होता है खाने में। आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। यही फ्राई पैन में मैंने पोटैटो एंड बीटर गोट को फ्राई कर लिया था। अभी हम फिर से इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे और इसमें हम लोग कलंजी जो बोलते हैं ना, ये कलंजी डाल देंगे। कलंजी डालने के बाद हमारे पास है पोस्तो। पोस्तो मतलब खसखस, इसका पेस्ट हम डाल देंगे। पोस्तो डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा, ये मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा भिगा हुआ पोस्तो को थोड़ा सा सॉल्ट देके पीस लिया था। अभी इसमें हम लोग डालेंगे टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिए और चिली। मेरे फ्रेंड ने बोला था घर पे परवल मतलब करेला पड़ा है, तो उसको हम क्या बनाएं। करेला की भाजी अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने बोला था उसको कि ऐसे बना सकते हो आप, तो उसके लिए मैं ये रेसिपी सबसे शेयर कर रही हूँ। अभी इस टाइम में हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हमारा शुगर। शुगर की जगह आप गुड़ या दूसरा जो है आप जो दूसरी शुगर रहता है वो भी आप ऐड कर सकते हो। मैं इसमें शुगर ऐड कर दिया। शुगर ऐड करने के बाद हमारा जो फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स था वो सब हम इसमें डाल देंगे। अभी आप देख सकते हो हमने हमारा जो सब्जी था वो सब इसमें डाल दिया है। इसमें थोड़ा तीखा भी आप अपने हिसाब से देना, आपको जैसे अच्छा लगे। थोड़ा तीखा तीखा मीठा मीठा ऐसे टेस्ट आएगा। तो इसको अभी हम लिड से कवर करके रख देंगे कितने तक ये सब्जी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके फिर से हम लोग ढक के रख देंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद इसकी पानी भी सूख जाएगा तो हम उसको उठाएंगे ढक्कन। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बन रहा है ये। ऑलमोस्ट हो गया है और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम लोग ये करेंगे, इसको बंद कर देंगे। अभी फिर से ढक के रखते हैं। मैंने इसका फ्राई करने दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो को शॉर्ट कर दिया मैंने, क्योंकि फ्राई तो कोई भी कर लेंगे। ज़्यादा वॉइल से नहीं, थोड़ा वॉइल से आप फ्राई कर लीजिए ढक ढक के, और फिर आप ऐसे बना लीजिए। बहुत ही यम्मी होता है। इसमें कुछ भी, वो सब लोग बोलते हैं बीटर गोट बहुत कड़वा है, कुछ कड़वा नहीं लगता है। और गरम गरम राइस के साथ आपको बहुत टेस्टी लगेगा। कोई रोटी के साथ भी ये अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कुछ भी कड़वा नहीं लगता है। अभी इस टाइम में ढक्कन उठा के देखती हूँ और पूरा रेडी हो गया है। और इस टाइम में आप एक दो बूंद सरसों का तेल, ये आपके हिसाब से आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, टेस्ट के लिए लास्ट में दे के हम लोग इसको बंद करके अभी गैस ऑफ कर देंगे, फिर हम सर्व करेंगे 2 मिनट के बाद। देख सकते हैं हमारा जो बीटर गोट आलू पोस्तो बन के रेडी हो गया है। ये बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिए और ये एकदम कड़वा नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।